हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन क्वेश्चन सो द इज हु क्रिएटेड द कॉटन मिल कॉटन मिल किसने बनाई लेट्स सी द की कंसेप्ट इज न्यू एंड इन्वेंशन रेगुलरली हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे न्यू इनोवेशंस और इनोवेश देख रहे थे एक मशीन एज आ गई थी जहां पर हम एक रेगुलर बेसिस पे देखते हैं कि नए इनोवेशन होते हैं नई मशीन क्रिएट होकर के आती हैं और डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग लोग सामने लाते हैं लेट्स सी द आंसर रिचर्ड ऑक्राइट क्रिएटेड फर्स्ट कॉटन मिल broad production प्रोसेस अंडर वन रूफ एंड इम्प्रूव दी प्रोडक्शन रिचर्ड ऑक्रेट पहली कॉटन मिल क्रिएट करते हैं वो पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस को जो भी कॉटन प्रोड्यूस करने की प्रोसेस होती है कार्डिंग ट्विस्टिंग एक्सेट्रा उसको एक रूफ के अंडर ले करके आते हैं इससे पहले क्या हो रहा था जो भी प्रोडक्शन हो रहा था वो डिसेंट्रलाइज यूनिट्स में हो रहा था वो अलग अलग जगह पर हो रहा था वो एक सिंगुलर यूनिट के सिंगुलर रूफ के अंदर नहीं हो रहा था और इससे क्या होता है प्रोडक्शन इम्प्रूव करता है बेटर मैनेजमेंट हो पाता है क्वालिटी चेक हो पाता है और जो कॉटन प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाता है आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक